और आमतौर पर परंपरा यही रही है कि दीपावली के अगले दिन भगवान गोवर्धन की पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ में और रीति रिवाजों के साथ की जाती है। लेकिन दीपावली अब 24 अक्टूबर को मनाई गई है, इसके हिसाब से 25 अक्टूबर को गोवर्धन की पूजा मनाई जानी चाहिए। लेकिन 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने की वजह से अब गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर को देश भर में मनाई जाएगी, क्योंकि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण के कारण मंदिरों में पूजा पाठ वर्जित रहेंगे और इस दिन लगने वाला 56 भोग भी नहीं लग पाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और शास्त्रों के मुताबिक कार्तिक माह में अमावस्या के दूसरे दिन प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा का एक खास महत्व होता है और इस अवसर पर देश भर के साथ साथ ब्रजमंडल में गोवर्धन की पूजा खास तौर पर मनाई जाती है। लोग गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन परिक्रम पर 56 भोग के प्रसाद का भोग लगाने का भी बड़ा आयोजन करते हैं। गोवर्धन पूजा को इस देश के कुछ हिस्सों में अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इस साल सूर्य ग्रहण के चलते त्योहार भी बुधवार को मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के 56 या 108 तरह के पकवानों का श्री कृष्ण को भोग लगाने का शुभ माना जाता है। इन्हीं पकवानों को अन्नकूट कहते हैं। यह भोग अब बुधवार को लगेगा।